हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड जो है वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे। अभी हम लोग किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड कंटिन्यूस होगा एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इफ़ तीन कंडीशन। पहली बात तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एफ जेड की वैल्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पर मिलनी चाहिए, मतलब एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट करे। ऐसा ना हो कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकेंड, जो लिमिट है एफ जेड की इस पॉइंट पर व्हेन जेड इज टेंडिंग अप्रोचिंग टूवर्ड्स जेड नॉट और टेंडिंग टूवर्ड्स जेड नॉट, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होनी चाहिए, जो फंक्शन की वैल्यू जेड नॉट पे आ रही है वो, और जो लिमिट आ रही है हमारी एफ जेड की एज जेड इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड जेड नॉट, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, हमारा फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूस कहलाता है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है जैसी हमारी कैलकुलस रियल एनालिसिस में हम लोग बात कर रहे थे, कैलकुलस में बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, बस केवल चेंज वही है कि कॉम्प्लेक्स में हमको जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कॉन्टीन्यूटी, जैसे लिमिट में हम लोग बात कर रहे थे तो हम ओपन डिस्क हम लोग कंसीडर कर रहे थे, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, तो जैसे क्या है, पहला है फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन अ रीजन कैपिटल आर ऑफ द जेड प्लेन इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन। तो हमारा फंक्शन एफ जेड जो है ये कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा किसी रीजन आर में, जेड प्लेन के रीजन आर में, इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन आर। तो अगर मान लेता हूँ जैसे जेड प्लेन है हमारा ये, तो इसमें मान लेता हूँ कोई ये रीजन आर है हमारा, इसमें देयर आर सेवरल पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस रीजन में। तो ये जो पॉइंट्स है, अगर इन सारे पॉइंट्स पे कोई फंक्शन हमारा एफ जेड जो है, अगर वो इन सारे पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है आप कह सकते हो, और इन सारे पॉइंट्स के लिए जो हमने डेफिनेशन कॉन्टीन्यूटी बताई, मतलब फंक्शन जेड के हर वैल्यू के लिए एफ जेड डब्ल्यू प्लेन पे एफ जेड की वैल्यू हमें मिले, हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज हमें मिल रही होंगी इस पर, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक वैल्यू हमको डब्ल्यू प्लेन पे मिल रही होगी कहीं ना कहीं पे, है ना। रीजन डिफरेंट हो सकता है, जो ही नहीं कि ये अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो हमें डब्ल्यू प्लेन पे भी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रीजन मिल रहा हो, रीजन कहीं भी मिल सकता है, लेकिन पॉइंट्स हमें मिलने चाहिए, यानी हर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। जो कंटिन्यूटी की आपकी पॉइंट के हिसाब से आपने कंडीशन देखी थी कि हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिलनी चाहिए, जेड नॉट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे मिल रही थी, वैसे ही हर पॉइंट के लिए अगर फंक्शन डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं सारी वैल्यूज़ मिल रही हो, हर पॉइंट के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो आपकी, तो हम कहते हैं कि जो हमारा हर पॉइंट पे, ये जो जेड के जेड प्लेन पे जो हमने रीजन आर लिया है उसके हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है पूरे रीजन आर में कॉन्टिन्यूस होगा। अगर वो सारे इस आर के पर्टिकुलर हर इस जो आर रीजन लिया है उसके सारे पॉइंट्स पे अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कंटिन्यूटी की ये कंडीशंस होल्ड कर रही है, तो हम कहेंगे हमारा पूरा का पूरा फंक्शन एफ जेड जो है इस पूरे रीजन आर में कंटिन्यूस है। ठीक है, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड नोट में हमने कहा है इफ अ फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट जेड नॉट देन रियल फंक्शंस यू एंड वी। अब जब हम, चूंकि आपको पता है एफ जेड को हम एक्सप्रेस करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में यू प्लस आई वी के फॉर्म में, हमने एग्जाम्पल में देखा था लास्ट टाइम पे, लास्ट लेक्चर में, तो यू भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, वी भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, इसलिए इनको रियल फंक्शंस बोलते हैं। तो देन रियल फंक्शंस यू एंड वी आर ऑल्सो कंटिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। तो अगर हमारा फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस हो रहा है किसी पॉइंट जेड नॉट पे, पॉइंट जेड नॉट का मतलब क्या, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये कोई पॉइंट होगा हमारा जेड प्लेन पे, तो उसके रिगार्डिंग हम, अगर फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूस है तो इसका सिंपली ये, दिस इंप्लाइज दैट कि यू और वी, जो यू और वी फंक्शन आएंगे वो भी कॉन्टिन्यूस होंगे इस पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट के रिगार्डिंग। ठीक है, द कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑल्सो। तो हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आपने एफ जेड लिखा है, अगर आप उसका यू और वी पार्ट निकाल लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड से आप यू और वी की वैल्यूज निकाल लीजिए, एक्स और वाई के टर्म्स में आएंगी, तो अगर यू और वी
कि आप कंटिन्यूटी अलग से टेस्ट कर लेते हैं कि यू और वी अगर कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर डोमेन में या रीजन में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एफ जेड हमारा फंक्शन चूंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एफ जेड बनता है, तो अगर यू और वी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली फंक्शन एफ जेड भी कंटिन्यूअस होगा, यानी वाइस वर्सा रिलेशन है। एफ जेड है, अगर एफ जेड कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट पे तो यू वी भी कंटिन्यूअस होंगे उस पॉइंट जेड नॉट पे, और अगर यू वी कंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट पे यानी एक्स नॉट वाई नॉट पे बात करेंगे, यू वी कंटिन्यूअस है एक्स नॉट वाई नॉट पे, तो हमारा फंक्शन एफ जेड भी कंटिन्यूअस होगा इन पॉइंट्स के लिए या जेड नॉट पॉइंट के लिए। जेड नॉट का मतलब है एक्स नॉट वाई नॉट, चूंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं ना पॉइंट को, जेड नॉट को आप रिप्रेजेंट करेंगे जेड प्लेन पे, तो ये पॉइंट हो सकता है हमारा, दिस इज द इसके कॉर्डिनेट हो गए एक्स नॉट वाई नॉट, और जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो लिखते हो आप जेड नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। तो आप चाहे जेड नॉट बोलो कॉम्प्लेक्स के लिए और चाहे आप एक्स नॉट वाई नॉट बोल सकते हो रियल्स के लिए, रियल मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपने सेकंड पॉइंट देख लिया ना। थर्ड पॉइंट इज इफ एफ जेड एंड जी जेड आर कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट देन, तो अगर हमारा एफ जेड और जी जेड दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअस हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो क्या क्या कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो उनका समेशन, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, ये भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, साथ ही साथ उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। बस केवल ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है जी जेड जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जेड नॉट पॉइंट पे जी जेड नॉट ये जीरो ना हो, क्योंकि ये वन अपॉन जीरो हुआ तो फिर ये डू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इस वजह से उस केस में ये रिलेशन फिर होल्ड नहीं करेगा, एफ जेड अपॉन जी जेड ये इसकी कंटिन्यूटी होल्ड नहीं करेगी। इसलिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर जो है जी जेड की वैल्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, दैट इज जी जेड नॉट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने कैलकुलस में, दैट इज रियल एनालिसिस में भी देखा था, तो वहाँ पर भी ये सब होल्ड करती थी, वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, डिफरेंशिबिलिटी की बात करते हैं। तो डिफरेंशिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, माना कोई फंक्शन है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, देन द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डब्ल्यू इज डिफाइंड एज, तो जो डेरिवेटिव होगा, जैसे w इक्वल टू एफ जेड हमारा कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन ज़रूरी है कंटिन्यूटी या डिफरेंशिबिलिटी के लिए, अगर मल्टी वैल्यूड हुआ या सेवरल वैल्यूड हुआ तो फिर आप ना तो फंक्शन हमारा हम कह नहीं सकते कि कंटिन्यूअस होगा और ना ही हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिबल होगा, सिंगल वैल्यूड होना फंक्शन का ज़रूरी है। जैसे कि आप सिंगल वैल्यूड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे ये है मान लीजिए आप फंक्शन का ग्राफ अगर हम रियल के लिए बनाना चाहें एक्स और वाई के लिए, तो अगर मान लीजिए वाई एक्स इज इक्वल टू वन पे अगर वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ एक वैल्यू आ रही है हमारी ये और एक वैल्यू और आ रही है एक ये वैल्यू आ रही है, अगर फंक्शन वाई जो है वाई इक्वल टू एफ एक्स हमारी दो वैल्यूज दे रहा है, तो फिर हमारी कंटिन्यूटी कैसे आएगी, ना तो हम इधर से इधर जा सक पाएंगे, ना तो हम ये जो ही नहीं कि इधर से इधर ही मिले, तो अगर सेवरल वैल्यूड होगा फंक्शन मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू देगा तो उस केस में कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बन पाएगा, मल्टी वैल्यूज हमको मिलती चली जाएंगी वाई की या दैट इज फंक्शन की, तो इसलिए सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, जब फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा एक ही वैल्यू देगा तभी हमारा जो है प्रॉपरली ग्राफ बन पाएगा, जो भी वैल्यू फंक्शन की जैसे भी अकॉर्डिंगली आएगी उसके अकॉर्डिंग ग्राफ हमारा बनेगा, तभी कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा, तो हम हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और उसी केस में हम डिफरेंशिबिलिटी की भी बात करते हैं, इसलिए सिंगल वैल्यूड होना जरूरी है। तो लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मान लो इस वेरिएबल जेड का ये हमारा एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है डब्ल्यू, तो जो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हम बोलेंगे इसका डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड, डब्ल्यू का बोलें या एफ जेड का बोलें एक ही बात है, उसको हम बोलते हैं उसको डिफाइन करते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड या एफ डैश जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड व्हेन डेल जेड अप्रोचेस टूवर्ड्स जीरो। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये लिमिट जो एग्जिस्ट अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ये हमको डिफरेंशियल कोफिशियंट देगी डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में, यानी कि एफ डैश जेड हमको देती है। अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन है, अगर हमें डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालनी है अपने जेड प्लेन के किसी पॉइंट पर निकालनी है, जैसे हमारा पॉइंट z नॉट मान लीजिए उस पे अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो द डेरिवेटिव ऑफ fz एट z इक्वल टू z नॉट कोई पर्टिकुलर पॉइंट है अगर उस पे आपको निकालना है तो dw अपॉन dz
एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, हम उसमें वैल्यू उस पॉइंट की वैल्यू रख देंगे। ये जनरल डेफिनेशन ये सारे पॉइंट्स के लिए अवेलेबल है, यानी आप इसमें जेड वन जेड टू जेड थ्री जितने पॉइंट्स हैं सबके लिए ये ट्रू है। तो अगर हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है तो हम उसमें पॉइंट की वैल्यू जेड की वैल्यू रख देंगे। तो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एफ डैश, जेड की जगह रखा जेड नॉट पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू लिमिट। तो z अप्रोचेस टूवर्ड्स, अभी तक तो डेल z जो डिफरेंस था z और डेल z में, और जो डिफरेंस था हमारा डेल z जो हमारा चेंज था वो जीरो को हम टेंड करा रहे थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि z किसी पर्टिकुलर पॉइंट z नॉट को टेंड कर रहा है, तो यही लिमिट हमारी जो है कन्वर्ट हो जाएगी एफ जेड माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट, ठीक है। तो आप जो सेकंड डेफिनेशन है इसको आप याद रखिएगा, ये भी आप किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को आप चेक कर रहे होंगे तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली वाली डेफिनेशन से हम इसको निकाल सकते हैं, ये यहीं से इसको भी निकाला गया है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जेड को जेड नॉट रख देना है, आप अगर पहली डेफिनेशन आप देखें तो हमको क्या रखना है, जेड इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स जेड नॉट, तो यहाँ पे जेड की जगह आप रख दीजिए जेड नॉट, इस डेफिनेशन में मैं रख रहा हूँ, ठीक है। प्लस और जो हमारा डेल जेड है, डेल जेड क्या होता है, डेल जेड है हमारा डिफरेंस, डेल्टा जेड क्या है डिफरेंस, तो डिफरेंस किस में डिफरेंस आप ले रहे हैं, डिफरेंस आप ले रहे हैं जेड माइनस डेल्टा जेड या जेड नॉट जो भी उसमें डिफरेंस है उसको हम ले रहे हैं। जेड की जगह पे जेड नॉट रख देना है, और हम रख रहे हैं जो डेल्टा जेड है वो हमारा है जेड, और डिफरेंस किस में लेंगे हम, हाँ तो डिफरेंस की बात कर रहे थे हम, डेल जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डेल जेड है क्या एक्चुअली में, डेल जेड है हमारा जेड और जेड नॉट जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है उसके बीच का डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जेड और जेड नॉट के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल जेड इज जेड माइनस जेड नॉट, तो हम ये वैल्यू देखिए इसमें रख रहे थे, जेड की जगह पर हमने रख दिया था जेड नॉट, चूंकि जेड 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 नॉट को अप्रोच कर रहा है, जेड की जगह हमने रखा जेड नॉट, प्लस डेल जेड की हम जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या था आगे, माइनस एफ जेड, तो माइनस एफ ऑफ जेड की जगह पे क्या रखना है, किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है जेड नॉट, चूंकि जेड नॉट पे आपको वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव की, तो आपने रख दिया एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाई डेल जेड है, डेल जेड की जगह क्या रखना है जेड माइनस जेड नॉट, तो जेड माइनस जेड नॉट। तो देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन से ही हमने इस डेफिनेशन को कैलकुलेट कर लिया। तो आप यहाँ पे देखिएगा जेड नॉट से जेड नॉट कट जाएगा, तो हमारा फाइनली यही चीज़ बचेगी एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये आपने देख लिया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नोट में हमने क्या बताया है यहाँ पे, कि जैसे हमने रियल एनालिसिस में हम देखते थे कि जो डिफरेंशिबिलिटी और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी जो है वो इम्प्लाई करती है कंटिन्यूटी को, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी होगा। अगर कोई फंक्शन एफ जेड डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे, लेकिन कन्वर्स वहाँ भी ट्रू नहीं होता था इसका, यहाँ भी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो सेम चीज़ है, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब बचा क्या इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और मैंने बताया यहाँ पे कि कैसे हम इस डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मैं उसको भी बता देता हूँ आपको, देख लीजिएगा। लेट जेड नॉट, मान लेते हैं जेड नॉट कोई पॉइंट है, ठीक है, जेड प्लेन पे, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं जेड नॉट हमने कोई पॉइंट लिया है, ये पॉइंट पी है, ये जेड नॉट एक्चुअली में इस पॉइंट पी को रेफर कर रहा है, तो दिस पॉइंट पी इज, ये जेड नॉट है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट पी जेड नॉट को रेफर कर रहा है, जेड नॉट में अगर हमने डेल्टा जेड का इंक्रीमेंट दिया तो हमको पॉइंट क्यू मिल रहा है, और पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे z नॉट प्लस डेल्टा z, ये पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो जब तो z नॉट जो हमारा पॉइंट p है हमने लिया है इसको z प्लेन पे, ठीक है, ये z प्लेन लिखा है, z प्लेन पे पॉइंट z नॉट था, जब इसके रिगार्डिंग इस पॉइंट p के रिगार्डिंग जब आपने z नॉट वैल्यू रखी तो w इक्वल टू एफ जेड जो आपका फंक्शन है, w इक्वल टू एफ जेड जो फंक्शन है आपका w प्लेन पे, उसका जो ग्राफ बन रहा है, मान लेता हूँ इस पॉइंट p के रिगार्डिंग जो पॉइंट हमें p मिला, p डैश पॉइंट मिल रहा है w प्लेन पे, उसको हमने प्लॉट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ये w इक्वल टू एफ जेड से हमने इसकी वैल्यू निकाली, एफ ऑफ जेड नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वैल्यू, एफ जेड नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ ऑफ जेड नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है,
ठीक है। अच्छा सिमिलरली जो जब हमने डेल जेड इंक्रीमेंट किया, जेड नॉट में डेल जेड इंक्रीमेंट किया, तो हमें दूसरा पॉइंट मिला, क्यू पॉइंट मिला, जेड प्लेन पे बात कर रहा हूँ, तो क्यू पॉइंट मिला क्या है वो, जेड नॉट में डेल्टा जेड हमने इंक्रीमेंट किया है तो पॉइंट क्यू मिला। इसके रिगार्डिंग जो दूसरा पॉइंट इसकी वैल्यू के रिगार्डिंग, आप इसको डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड में रखिए, एफ जेड की जगह पर रखिए जेड नॉट प्लस डेल जेड, तो आपको डब्ल्यू प्लेन पे जो दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है, डब्ल्यू प्लेन पे जो दूसरा पॉइंट आपको मिल रहा है वो क्या मिला आपको, क्यू डैश मिला। रिगार्डिंग दिस पॉइंट क्यू हमें डब्ल्यू डैश पे क्यू, डब्ल्यू प्लेन पे क्यू डैश पॉइंट मिला। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता है ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट, किसके रिगार्डिंग मिला, जेड नॉट प्लस डेल जेड पे, तो जेड नेट जेड नॉट प्लस डेल जेड, तो ये इसके इस पॉइंट क्यू डैश का जो पॉइंट क्यू डैश है वो इसके रिगार्डिंग मिला है, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड से मिला हमको, ठीक है। तो ये P डैश Q डैश हो गया, P के रिगार्डिंग P डैश मिला और Q के रिगार्डिंग Q डैश मिला। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव है, जो हमने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन निकाली है, वो हम कह सकते हैं कि P डैश Q डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए P डैश से Q डैश ये जो डिस्टेंस है, जैसे P से Q की डिस्टेंस इस इंक्रीमेंट डेल्टा Z को रिप्रेजेंट कर रही, वैसे P डैश से Q डैश की जो डिस्टेंस है ये डेल्टा W को रिप्रेजेंट कर रही, और डेल्टा W क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, जो अपर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस, मतलब अपर वाले में से लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज डेल्टा W, ठीक है। और ऐसे ही आप डेल्टा Z यहाँ देख सकते हैं, डेल्टा Z क्या है भाई, आप अपर वाले में से लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो डेल्टा जेड रिमेन करेगा आपका, दैट इज जेड नॉट प्लस डेल जेड में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जेड नॉट को, जेड नॉट कैंसिल, क्या बचा डेल्टा जेड, तो दैट इज डेल्टा जेड, और यहां पे हमने डेल्टा डब्ल्यू निकाला, डिफरेंस निकाल लिया, तो अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया। तो अब डब्ल्यू का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जेड, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो ये जब इसकी लिमिट आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिटिंग फॉर्म में लिखेंगे, तो हेंस द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नॉट इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये क्या होगा, इज गिवन बाई एफ डैश जेड नॉट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, और ये बराबर जगह लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड नॉट, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है, ये मैंने बताई थी आपसे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आ गया अपॉन डेल्टा जेड, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब मतलब क्या, जब डेल्टा जेड चूंकि आपका जीरो को टेंड करेगा तो डेल्टा जेड अगर खत्म होगा तो पॉइंट क्यू वापस पॉइंट पी की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ही जैसे जैसे डेल्टा जेड खत्म होगा क्यू पी की तरफ बढ़ेगा और क्यू डैश पी डैश की तरफ अप्रोच करेगा, तो हमें क्या मिल गया लिमिट, इसका मतलब हुआ क्यू डेल्टा जेड जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, क्यू पी को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एज पॉइंट क्यू अप्रोचेस टू पॉइंट पी, और इसका रेशियो क्यू डैश पी डैश का रेशियो क्यू पी से, दैट इज ऊपर वाली वैल्यू क्या है डेल्टा डब्ल्यू कह सकते हो या क्यू डैश पी डैश कह सकते हैं, तो क्यू डैश पी डैश अपॉन क्यू पी, डेल्टा जेड मतलब क्यू पी, तो क्यू पी, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द रेशियो क्यू डैश पी डैश टू क्यू पी एज क्यू अप्रोचेस पॉइंट पी, जैसे जैसे क्यू पी की ओर आएगा, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड का डेरिवेटिव कहलाएगा, और उसको आप डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप एफ डैश जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला है, इसको जेड नॉट पे निकाला है, इसलिए एफ डैश जेड नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट जेड नॉट पे डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, आई होप आपको समझ में आएगा, और नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तो अभी आप इसको अच्छे से एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर, और इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, नोट्स अपनी कॉपी में प्रॉपरली आप बनाते रहिएगा, थैंक यू।